क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक साझेदार पीढ़ी के साझेदार हैं। वे अपना लाभानी 3-2-1 के प्रमाण में बांट देते थे, उसे बदलकर 1-1 करना निश्चय किया, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चय किया। साझेदारी पीढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पीढ़ी की ख्याति कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। कितने वर्ष की खरीदी के आधार पर? 3 वर्ष के खरीदी के आधार पर। और यहाँ पे मेथड बोल दिया, अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर, मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है? अधिक लाभ की पद्धति यूज करना है। चलिए और क्या क्या दिया है जानकारी हम देख लेते हैं। नीचे आपको दिया है संपत्ति 6 लाख का दिया है, दायित्व 2,50,000 दिया है, अपेक्षित मुआवजा दर 10% दिया है और वास्तविक लाभ 2014-15, 15-16, 16-17 3 वर्ष के लिए पहले 80,000, फिर 70,000, फिर 90,000। तो देखो लाभ में कमी वृद्धि हो रहा है, मतलब जब हम यहाँ पे औसत लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा लगाना है? सरल औसत लाभ की पद्धति यूज करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को इसमें अधिक लाभ की पद्धति बोला है, मतलब इसमें टोटल 6 स्टेप आते हैं और 6 स्टेप को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम स्टेप नंबर का बनाएंगे, सेकंड कॉलम विवरण का बनाना है और थर्ड कॉलम रकम का बना देना है। तो चलिए पहला जो स्टेप है वो है विनियोजित पूंजी, और विनियोजित पूंजी का जब मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया तब क्या बोला था, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। और क्वेश्चन के अंदर कुल संपत्ति कितना दिया है? 6 लाख दिया है और कुल दायित्व कितना दिया है? 2,50,000। तो 6 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,50,000। तो देखो विनियोजित पूंजी के सामने मैंने लिख दिए 3,50,000। देन सेकेंड स्टेप क्या था? अपेक्षित मुआवजा दर। तो बुक के अंदर हमको अपेक्षित मुआवजा दर कितने परसेंटेज बोला है? 10%। तो हमने यहाँ पे उसके सीधा कितने परसेंटेज लिख दिए? 10%। एंड देन थर्ड स्टेप क्या बोला था? अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा दर प्रतिशत में, नहीं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा दर भागे 100 कर सकते हैं। यदि यहाँ से परसेंटेज हटाओ तो भागे आप 100 लिख सकते हो। तो विनियोजित पूंजी कितना है? 3,50,000 इंटू अपेक्षित मुआवजा दर कितना है? 10%। तो 3,50,000 इंटू 10%। तो कैलकुलेटर में करके देखना है तो हम देख लेते हैं कि 3,50,000 इंटू 10 फिर परसेंटेज दबा दो, देखो कितना आया? 35,000 आया। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 35,000 रुपये और उसके सामने मैंने लिख दिया 35,000 रुपये। थर्ड स्टेप तक आप सबको समझ में आया। चलिए स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है? औसत लाभ। औसत लाभ बराबर दो यहाँ पे औसत लाभ हो सकता है, एक तो सरल औसत लाभ हो सकता है, नहीं तो भारित औसत लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ष आपको दे दिया 2014-15, 15-16, 16-17, फिर लाभ कितना दिया है? 80,000, 70,000 और 90,000। देखो लाभ में क्या हो रहा है, पहले 80 से क्या हो गया? 70 हो गया, मीन्स कमी हुआ। फिर 70 से क्या हुआ? 90 हुआ, मीन्स वृद्धि हुआ। मतलब लाभ में कमी वृद्धि दिखाई दिया। लाभ में कमी वृद्धि दिखा तो हम कौन सा यूज करते? सरल औसत लाभ यूज करते। आप यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सरल वाला हमने यूज किया, कि सरल औसत लाभ हमने यूज किए। तो चलिए, तो औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है सरल औसत लाभ का? कि कुल लाभ डिवाइड बाई वर्ष की संख्या, कुल वर्ष। ओके, यहाँ पे आप कुल वर्ष लिख दो। ओके, तो कुल लाभ कितना दिया है? 2,40,000 डिवाइड बाई कुल वर्ष कितना है? 1, 2, 3। तो 3 वर्ष से डिवाइड किया तो 2,40,000 को 3 से डिवाइड किया तो 80,000। तो औसत लाभ के सामने देखो लिख दिया 80,000। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो मैं बताऊँ, मैं हर जगह पे रुपये का सिंबल दिया हूँ, क्योंकि ये पूरा जो ख्याति की जो अमाउंट होती है रुपीस में होती है, इसलिए आगे हमको रुपये का सिंबल दिखाना है। चलिए देन स्टेप नंबर फाइव क्या है? अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो यहाँ पे औसत लाभ ऊपर कितना आया था? 80,000। तो औसत लाभ देखो 80,000 लिख दिया माइनस अपेक्षित लाभ। तो ऊपर देखो तीसरा स्टेप हमने अपेक्षित लाभ निकाला था। अपेक्षित लाभ कितना निकाला था? 35,000 निकाला था। तो अपेक्षित लाभ की जगह पे यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? 35,000 रख दिया। तो 80,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 45,000। तो मैंने देखो इस बाहर भी लिख दिया 45,000।
आया समझ में? एंड देन लास्ट स्टेप ख्याति, ख्याति का फॉर्मूला क्या है? ख्याति इक्वल टू अधिक लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ ऊपर देखो कितना आया, 45,000 इंटू खरीदी के वर्ष, आपको बुक में 3 वर्ष दिया है तो 45,000 को 3 से गुणा करेंगे 135,000, तो मैंने बाहर भी लिख दिया 135,000। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए 4 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व और किया हो तो एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप डिपेंड होता है। यदि हम पहला स्टेप गलत करते हैं तो तीसरा स्टेप गलत निकलेगा, तीसरा स्टेप गलत करते हैं तो फिर पांचवा स्टेप गलत निकलेगा, और पांचवा स्टेप गलत हुआ तो छठा स्टेप गलत निकलेगा। मतलब यदि इसमें से कोई भी एक स्टेप गलत होता है तो सभी स्टेप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को करते समय हमको पूरा ध्यान रखना है और बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर हमको हासिल करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट्स है और वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।